नमस्कार, मैं नेहा जोशी, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। नए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर लगातार अपने नए एक्शन को लेकर सुर्खियों में आ रहे हैं। ऐसे ही जनता में ये सवाल भी बने हुए हैं कि कांग्रेस की योजनाओं को क्या बंद किया जाएगा, ऐसे में शिक्षा के विभागों का क्या होगा, क्या महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल बंद होंगे, अगर होंगे तो उन बच्चों का भविष्य क्या होगा। तो उन सबके जवाब पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कहते हुए नजर आ रहे हैं, जहां भवन नहीं है, शिक्षक नहीं है, बस बच्चे हैं, तो ये शिक्षा नीति में अंधकार है। आगे क्या कुछ कहा है शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने, आइए हम आपको सुनवाते हैं। संस्कृत का ज्ञान भी और हिंदी का ज्ञान भी होना चाहिए, अन्य भाषाओं को जो सीखना चाहते हैं ज्ञान भी सबको होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम विद्यालय का नाम तो बदल दें और अंग्रेजी माध्यम का बोर्ड भी लटका दें, लेकिन वहां शिक्षक ना हो, वहां पर अध्यापक ना हो, तो पशुओं का बाड़ा थोड़ी है, वो विद्या मंदिर है। बच्चों को हम शिक्षा देना चाहते हैं, शिक्षा देना चाहते हमारे पास प्रॉपर व्यवस्थाएं चाहिए थी। तो इन्होंने अपने लोगों को उपकृत करने के लिए, ताकि इस बहाने कहीं कहीं लोग इनके हैं उनको यहां ले आएंगे, और इसलिए इन्होंने ये नाम दे दिया। महात्मा गांधी का एक घोर अपमान है कि बच्चों के साथ अन्याय करो, शिक्षक नहीं, भवन नहीं और बच्चे हैं, क्या होगा उनके साथ? उनको उनके भविष्य में अंधकार लाने की कोशिश हो रही है। ये ज्यादती की है कांग्रेस ने कि महात्मा गांधी स्कूल का नाम तो दे दिया लेकिन उसमें संसाधन नहीं दिए, ये बच्चों के साथ ज्यादती है। हम कोशिश करेंगे कि जहां जैसी जनता की मांग है उसके आधार पर हम काम करेंगे। यदि जनता चाहेगी, हमें नहीं चाहिए ऐसा विद्यालय जहां भवन ही नहीं है, जहां बच्चे ही नहीं, क्या करेंगे हम लोग? नहीं नहीं, उनकी जनता के लिए, हम तो जनहित में काम करते हैं, छात्रों के हित में काम करते हैं, जो छात्रों के हित में होगा वही करेंगे, और महात्मा गांधी का सम्मान बना रहे वो भी हमारी कोशिश रहेगी। कई सारे स्कूलों को मर्ज किया गया, कई बड़े स्कूलों को जोड़ दिया गया, 3 से 4 स्कूल एक भवन में संचालित हो रहे हैं, कई बार उनमें एग्जाम सेंटर आते हैं तो जो अभ्यर्थी हैं वो परेशान होते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या सभी स्कूलों का अपना भवन नहीं मिलना चाहिए? देखो, ये जो लगातार विद्यालय खोलने की प्रवृत्ति है वो ठीक तो है, लेकिन विद्यालय खोलने से पहले हमको असेसमेंट करना पड़ेगा कि हमारे पास अध्यापक और भवन है कि नहीं। यदि अध्यापक और भवन है तो अच्छी बात है, और अध्यापक और भवन नहीं है तो हमको नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि उससे बच्चों के साथ जाति हो रही है। क्योंकि हम इस विद्यालय से उठा करके यहाँ डालेंगे, वो बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, ये बच्चे ही पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ भी 2 टीचर की कमी रह गई है और यहाँ 2 टीचर की कमी आ गई है, तो कौन पढ़ाएगा उन बच्चों को? सस्ती लोकप्रियता के लिए काम नहीं करना चाहिए। मंत्री जी, हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से कोचिंग्स को लेकर एक गाइडलाइन आई कि 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो कोचिंग में दाखिल नहीं होंगे, लेकिन कई ऐसे हमारे स्कूल में क्या इस तरह की एजुकेशन दी जा रही है कि बच्चों को कोचिंग तक नहीं जाना पड़े, या भविष्य में देने का कोई प्लानिंग किया गया है? देखो, मैं न तो कोचिंग के खिलाफ हूं, न मैं हिजाब के खिलाफ हूं, ये केंद्र सरकार का ऑर्डर है। केंद्र सरकार बहुत विद्वान लोग बैठे, बहुत सोच समझ करके उन्होंने निर्णय किया होगा, और जो निर्णय किया है हमारे लिए सर्वोपरि है। सर, राजस्थान के स्कूलों में टैबलेट, लैपटॉप, स्कूटी, साइकिल बहुत लंबे वक्त से स्टूडेंट्स को नहीं मिल पाई, तो ये कब तक वितरण की प्रक्रिया शुरू होगी? सर, साइकिलों की वितरण की प्रक्रिया प्रारंभ है। पंडित जी, ग्रामीण परिवेश से कई स्कूल ऐसे जिन्हें स्टूडेंट्स के लिए टॉयलेट का अभाव है, इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत है, तो आपने जैसे दौरा शहरी इलाकों का तो किया, ग्रामीण इलाकों में इस तरह के दौरे देखने को मिलेंगे? ग्रामीण इलाकों में भी गया हूँ, आज ही गया मेरे लिए ग्रामीण और शहर दोनों के बच्चे मेरे लिए सर्वोपरि, उनका ही सर्वोपरि है। सरकार लैपटॉप या टैबलेट बांटने का विचार रखती है? देखो, इस विषय में
माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बातचीत होगी, उसके बाद ही निर्णय होगा। एक आरटीई के भुगतान को लेकर निजी स्कूल और सरकार के बीच में कई बार मतभेद सामने आए, कब तक इन जो प्राइवेट स्कूलों के आरटीई का पैसा है वो मिल जाएगा? हम असेसमेंट करा रहे हैं। वैसे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पदभार संभालते ही इन पर काफी पैसा तो का तो भुगतान हो गया है और आगे भी भुगतान होगा। सर, जयपुर समेत प्रदेश में कई जगह आरटीई को लेकर ही स्कूलों पर कार्रवाई हुई, बड़े बड़े स्कूलों की मान्यता रद्द करने का फैसला भी किया गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं धरातल पर। तो कोई कार्रवाई होगी या नहीं, बस कि सरकारी स्कूलों में ही होगी सिर्फ कार्रवाई? देखो, कार्रवाई जो गलत करता है सबके ऊपर होना चाहिए, सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो। लेकिन मैं एक बात और मानता हूँ कि जो गैर सरकारी विद्यालय जिसको प्राइवेट विद्यालय कहते हैं वो भी प्रदेश की बहुत बड़ी सेवा कर रहा है। मैंने देखा है कि राजस्थान भर में हमारे पास 82 लाख छात्र हैं, लेकिन निजी विद्यालय के पास 85 लाख छात्र हैं। वह संसाधन कम होने के बावजूद भी वो शिक्षा दे रहे हैं, तो जनता का सहयोग भी कर रहे हैं, सरकार का सहयोग भी कर रहे हैं। हमेशा उनको तिरछी निगाह से देखना ठीक नहीं है, लेकिन जहां बहुत ही ज्यादती हो रही है वो अपवाद हो सकते हैं, उनके बारे में कड़ा रुख तो रखना ही चाहिए। मंत्री जी, बड़े दिनों बाद कोई दबंग शिक्षा मंत्री मिला है आपके रूप में। निजी स्कूल हमेशा से आदेशों की अवहेलना करते हुए नजर आते हैं, वो सरकारों अभी शीतकालीन अवकाश कलेक्टर की ओर से जारी किए थे। कई ऐसे नामचीन बड़े स्कूल है जिन पर कार्रवाई नहीं, क्या कुछ दबाव में आता है क्या कोई विभाग इस तरह से की निजी स्कूलों पर कार्रवाई ना हो? न तो मैं दबंग हूँ न कमजोर हूँ। मैंने कहा कि जो सीमा से ज्यादा गलती करता है उसको सोच समझ कर उसके पास जो यथोचित कार्रवाई तो करना ही चाहिए। जैसे पूर्व में जो बीजेपी सरकार के दौर में साइकिल वितरित हुई थी छात्रों को, उनका रंग भगवा था, अभी सरकार ने बदल करके पूर्ववर्ती सरकार ने उसे काला रंग कर दिया, तो क्या वापस साइकिलों का रंग बदला जाएगा? देखो, ये सारी कांग्रेसी काली है, काली सारी कांग्रेसी काली है, तो वो तो काला काला करेंगे करेंगे, हम भगवा करेंगे। ये देश पूरा राम में हो रहा है, पूरा राम में। हमारे महापुरुषों के पास उनके जितने भी झंडे थे सब भगवाई थे। सूर्य भगवान जब हमको सुबह सुबह दर्शन देते हैं उनका रंग भगवाई होता है। शिवाजी, महाराणा प्रताप, झांसी की महाराज, सबके पास बहुत अस्त। अग्नि का जो हम दर्शन करते हैं प्रज्वलित होती है तभी भगवाई तो होता है। तो जो पूरे सृष्टि भगवा से जगमगाती है तो फिर दूसरा और चीजें भगवान में क्यों ना होनी चाहिए, क्या दिक्कत है? एक सर, ज्ञान व्यापी पे आज फैसला है, उस पर बता दीजिए क्या कहना चाहे, क्या सोचते हैं उस फैसले को, किस नजरिए से आप देख रहे हैं? मैं आज बहुत खुश हूं, मैं पूरा देश खुश है कि आक्रांताओं ने कभी भगवान बाबा विश्वनाथ की जो धरती है का परिसर है जो ज्ञान वापी के नाम से भी जानते हैं, वहां कोई तोड़ फोड़ करके ढहा करके और कुछ अन्याय रूप देने की कोशिश की होगी। लेकिन 1993 तक पहले पूजा होती आई थी, सोमनाथ जी व्यास करके उसकी पूजा करते थे, फिर वो स्वर्गवास हो गया, कोई कोर्ट में चला गया, चाबी मुस्लिम पक्ष को दे दी। अब जो उनके वारिस कोर्ट में गए तो माननीय न्यायालय ने बहुत ही सोच समझ कर निर्णय किया है, जो पूज्य भगवान की मूर्तियां हैं उनकी पूजा अर्चना नहीं होगी और इसकी पूजा अर्चना करना चाहिए। और इससे लगता है कि सारा जो परिसर है वो बाबा विश्वनाथ जी का परिसर है और जो निर्णय आएगा जो फाइनल वो यही आएगा संभवतया कि ये पूरी में बाबा विश्वनाथ का मंदिर का विस्तार कीजिए, ये बाबा काशी विश्वनाथ जी की ही जगह है। और मथुरा भी बचा हुआ है, मथुरा का मामला भी कोर्ट में चल रहा है,
राम मंदिर अभी तक केवल राम मंदिर का सॉल्यूशन निकल पाया है। देखो देखो, देश की जनता लगातार ये बात कहती रही है, ये तो पहली झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। तो सरकार कोई भी जोरदबस्ती नहीं करती, लेकिन जो साक्ष्य आएंगे और उस साक्ष्यों के आधार पर जो माननीय न्यायालय निर्णय देंगे वो तो सबको मानना पड़ेगा। और हमारी मान्यता ये है कि जो अवशेष निकल रहे हैं कि वो परिसर भी पूरा श्री कृष्ण भगवान की जन्मभूमि है। आप फिर से कोई संकल्प लेंगे जैसे आपने राम मंदिर के लिए लिया था? भगवान यानी प्रभु श्री राम के लिए हमने ये कहा था कि जब तक इनकी जन्मभूमि पर यानी श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर नहीं बन जाता और भगवान उसमें भगवान की प्राण प्रतिष्ठा नहीं आती, तब तक हम मैं माला नहीं बनूंगा। यानी ये संकल्प मेरा 90 में था, कि लगभग 34 वर्ष हो गए हैं। 22 तारीख को मेरा संकल्प पूरा हो गया। उसी दिन मैंने एक संकल्प लिया है कि जब तक श्री कृष्ण भगवान की जन्मस्थली पर उनका भव्य मंदिर नहीं बन जाता और उस मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाती, तब तक एक समय भोजन करूंगा और माला नहीं बनूंगा। अब तक बुलडोजर की कार्रवाई अपराधियों पर या क्रिमिनल्स पे होती थी, आपने बोल दिया कि मैं शिक्षकों पे भी बुलडोजर साथ। हाँ, मैंने तो कभी नहीं बोला शिक्षकों पर। मैंने ये कहा है कि शिक्षा शिक्षा मंदिरों में या विद्या मंदिरों में किसी बहनों के साथ अश्लीलता होती है, छेड़खानी होती है, बलात्कार होता है और ऐसे नीचे निकम्मे अध्यापक हैं तो जो पुलिस कार्रवाई करेगी वो तो अलग है। उसके बावजूद यदि उन्होंने कोई अनैतिक तरीके से संपत्तियां कमाई हुई है, अतिक्रमण करके बनाया हुआ है, नियमों का उल्लंघन करके निर्माण की हुई है, तो उन संपत्तियों को निस्ताभूत करेंगे। वो बुलडोजर से कहो उसको या सब्बल से कहो पर या मशीनरी से कहो, पर वो चलेगा ही, रुकेगा नहीं। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।